Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। तो साथियों, RBSC और NCERT की जो कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की किताबें हैं, चारों पुस्तकों से संपूर्ण प्रश्न बना लिए गए हैं और 200 प्रश्न मैं पिछले दो वीडियो में डाल चुका हूं। तो अगर आपको 200 प्रश्न देखने हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे, उन 200 प्रश्नों को देख सकते हो। अब यहाँ पर ये NCERT और RBSC की किताबों का अंतिम भाग है, तीसरा भाग, जिसमें आज हम जो बचे हुए प्रश्न जितने भी है उन सभी को करने वाले हैं। 333 प्रश्नों की ये सीरीज थी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग यूँ मान के चलो कि रीट का 70% जो पेपर है वो इन्हीं किताबों से बनता है। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद में साथियों, आपको जो NCERT और RBSC की किताबें हैं इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको अच्छे से याद कर लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या एक से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या एक का मतलब क्या है? प्रश्न नंबर 201 से। तो 201 वा क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर मैंने 201 नहीं लिखा है, पहला ही लिख दिया है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। कौशल को कैसे अर्जित किया जा सकता है? अनुवांशिकता से, प्रशिक्षण एवं अनुभव से, साक्षात्कार से और परामर्श से। तो यदि हमें कौशल अर्जित करने हैं तो साथियों, इसके लिए हमें प्रशिक्षण और अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। इनके माध्यम से ही हम कौशल को अर्जित कर पाते हैं। तो दूसरा विकल्प आपके पहले क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। पूर्ण रूप से कक्षा 11वीं 12वीं की किताबों के प्रश्न हैं, इसलिए इनको इग्नोर मत कर देना, पूरे प्रश्नों को देख करके जाना। अगर पहले हल कर लिए हैं तो भी आप रिपीट कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो इसका। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन। तो आपके प्रश्न संख्या 2 है, सीखने के अनुभवों की व्याख्या होती है। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान में, संप्रेषण में, संगठन में और खेल मनोविज्ञान में। तो दूसरे क्वेश्चन में राइट आंसर बताइए। देखिए दूसरे क्वेश्चन में जो आपके राइट आंसर आता है साथियों, वो रहेगा आपके सीखने के अनुभवों की व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान में होती है। विकल्प नंबर 1 सही है दूसरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बुलिमिया एक रोग है जिसमें व्यक्ति को भूख कम लगती है, प्यास अधिक लगती है, भूख अधिक लगती है या प्यास कम लगती है। तो बुलिमिया का नाम सभी ने सुन रखा होगा, रीट एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। तो साथियों, बुलिमिया रोग में क्या होता है? व्यक्ति को जो भूख है वो अधिक लगती है। तीसरा विकल्प आपके इस तीसरे क्वेश्चन में सही है, मतलब प्रश्न नंबर 203 में। तो चलिए नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। कोमर द्वारा बताए गए 4D में कौन सा सही है? वी सामान्यता, खतरा, अप्रक्रिया और उपयुक्त सभी। तो जो कोमर ने 4D बताए हैं साथियों, उनमें से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है। तो आपके प्रश्न संख्या 4 में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपके विकल्प नंबर 4। 4D के अंतर्गत यहाँ पर खतरा भी आ जाता है, अप्रक्रिया भी आ जाती है और वी सामान्यता भी आ जाती है। तो अतः आपका चौथा विकल्प चौथे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर। ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं, लगभग जितने भी यहाँ पर 100+ जो क्वेश्चन हैं सभी को लगभग एक घंटे, मतलब या तो 60 से 70 मिनट में हम इसको पूरा कर देंगे साथियों। प्रश्न नंबर 5। निम्न में से कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है? दुर्भीति, मनोग्रस्ती, बाध्यता, कायरूप विकार और आतंक विकार। तो प्रश्न नंबर 5 में आपको राइट आंसर देना है, इनमें से दुश्चिंता विकृति का कौन सा प्रकार नहीं है। साथियों, दुश्चिंता विकृति के अंतर्गत दुर्भीति आ जाती है, मनोग्रस्ती बाध्यता आ जाता है, आतंक विकार आ जाता है, लेकिन कायरूप विकार दुश्चिंता विकृति में नहीं आता है। अतः आपका जो थर्ड विकल्प है प्रश्न 5 में वो सही है। नेक्स्ट आता है आपके प्रश्न नंबर 6। तो चलिए छठा क्वेश्चन। इनमें से सही सुमेलित नहीं है। हवा से दुर्भीति एरोफोबिया, भीड़ से दुर्भीति ओक्लोफोबिया, ऊंचाई से दुर्भीति एक्रोफोबिया और आग से दुर्भीति हाइड्रोफोबिया। तो बताइए प्रश्न संख्या 6 में आपका कौन सा विकल्प सही है, सही सुमेलित कौन सा नहीं हो रहा है। तो साथियों, आग से दुर्भीति को हाइड्रोफोबिया नहीं कहते बल्कि फायरोफोबिया कहा जाता है। ये तीनों तो सुमेलित है, चौथा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। आपका 7वां क्वेश्चन है, दबाव का सामना करने के लिए कौन सी तकनीकें लेजारस एवं फोकमैन द्वारा दी गई है? समस्या केंद्रित, संवेग केंद्रित, बायोफीडबैक और 1 व 2 दोनों।
तो यहाँ पर व्यक्ति के सामने जब दबाव आता है तो उसका सामना करने के लिए व्यक्ति एक तो समस्या केंद्रित तकनीक का सहारा लेता है और एक संवेग केंद्रित तकनीक का सहारा लेता है। अर्थात आपका जो चौथा विकल्प है एक व दो दोनों वाला, यही आपका सही आंसर है। तो सातवें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आपके आठवें क्वेश्चन को देखेंगे, तो चलिए आठवां क्वेश्चन। किसी व्यक्ति का स्व संप्रत्यय निर्मित होता है, व्यक्तिगत पहचान द्वारा निर्मित होता है, सामाजिक पहचान द्वारा निर्मित होता है, सांस्कृतिक पहचान द्वारा निर्मित होता है और उपयुक्त सभी से निर्मित होता है। तो साथियों स्व संप्रत्यय मतलब होता है खुद के बारे में जो संप्रत्यय है वो होता है स्व संप्रत्यय। तो यहाँ पर साथियों स्व संप्रत्यय सामाजिक पहचान, व्यक्तिगत पहचान, सांस्कृतिक पहचान सभी के द्वारा निर्मित होता है, अतः आपका चौथा विकल्प यहाँ आठवें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर, तो 9वां क्वेश्चन। व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न प्रकार जैसे गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक किसके द्वारा बताए गए हैं? कार्ल युंग के द्वारा, शेल्डन के द्वारा, फ्रीडमैन के द्वारा और रोजनमैन के द्वारा। तो ये जो तीन प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं गोलाकृतिक, आयताकृतिक और लंबाकृतिक, साथियों ये जो प्रकार बताए गए हैं ये आपके शेल्डन ने बताए हैं। किसने बताए हैं? शेल्डन ने। सेकंड विकल्प आपका 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को, तो चलिए 10वां क्वेश्चन। कौन से परीक्षण का अनुकूलन बच्चों के लिए किया गया जिसे CAT कहा जाता है? कथानक संप्रत्यय परीक्षण, रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट, वाक्य पूर्ति परीक्षण और स्थिति परक परीक्षण। तो बताइए प्रश्न संख्या 10 में आपका कौन सा विकल्प सही है? देखो यहाँ पर एक परीक्षण है व्यक्तित्व मापन का, प्रक्षेपी विधियों में आती है साथियों। तो ये जो केट परीक्षण स्थानांतरित हुआ है ये कथानक संप्रत्यय परीक्षण से बना है। किससे बना है? कथानक से। विकल्प नंबर 1 सही है आपके 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर, तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे साथियों। व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीक जिस सिद्धांत पर आधारित है उसके जनक कौन है? हरमन रोर्शा, सिगमंड फ्रायड, कार्ल जुंग और हैंस आइंजेक। 11वें क्वेश्चन में आपको सही आंसर बताना है, बताइएगा। देखिए जो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकें हैं ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रक्षेपी तकनीकों में क्या होता है, व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और साथियों ये अचेतन मन का अध्ययन सिगमंड फ्रायड के सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए आपका सेकंड विकल्प 11वें क्वेश्चन में सही है। क्योंकि सभी को पता होगा कि अचेतन मन पर बल किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्रायड के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। आइंजेक व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली में सम्मिलित है, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, सांवेगिक स्थिरता और अस्थिरता, मनस्तापिता और इनमें से सभी। तो देखो जो हैंस आइंजेक ने एक व्यक्तित्व कारक की जो प्रश्नावली दी है इसमें अंतर्मुखता, बहिर्मुखता तो 2016 में पूछ भी लिया गया है, सांवेगिक स्थिरता और अस्थिरता ये भी बताया है और मनस्तापिता भी बताया है साथियों। अर्थात यहाँ पर उपयुक्त सभी वाला जो विकल्प है चौथा वो 12वें क्वेश्चन में आपके सही आंसर है। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं, आपके 13वां क्वेश्चन। ये देखिए 13वें क्वेश्चन को। व्यक्तित्व के संबंध में असत्य कथन है, व्यक्तित्व के गुण अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन है, व्यक्तित्व पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है और जो हम बाहर से देखते हैं वही व्यक्तित्व होता है। तो देखो असत्य कथन की बात करें तो व्यक्तित्व के जो गुण है वो अपेक्षाकृत स्थायी माने जाते हैं, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति का उसके वातावरण के साथ प्रभावी समायोजन भी होता है, व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी शब्द कहते हैं और ये जो पर्सनालिटी शब्द है ये लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से भी बना है साथियों, लेकिन जो हम बाहर से देखते हैं वो व्यक्तित्व होता है। तो बाहर से तो 1/10 ही दिखाई देता है, 9/10 तो हम बाद में समझते हैं, ठीक है। इसलिए आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न 13 में वही आपका सही आंसर है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? संक्रिया, लाभ, विषय वस्तु और उत्पादन। तो जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है साथियों संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत, बुद्धि के संबंधित सिद्धांत है ये। तो इस सिद्धांत में इन्होंने 3 पद बताए हैं, एक तो संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन, लेकिन लाभ जैसा कोई पद नहीं बताया है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प 14वें क्वेश्चन में सही है। कुल कितने कोष्ठ है साथियों इसमें? 120 कोष्ठ है बुद्धि के, गिलफोर्ड के सिद्धांत में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। एक बालक की तैतिक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी 80, 100, 120 और 1.2।
तो साथियों प्रश्न संख्या 15 में जो राइट आंसर है, बालक की तैतिक आयु मतलब उसकी वास्तविक आयु तो 10 वर्ष है और उसकी मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष है। तो साथियों सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, 10 से 10 12 इंटू 10 बराबर 120, मतलब उसकी बुद्धि लब्धि आई क्यों कितनी होगी साथियों, 120 रहेगी। थर्ड विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। तो चलिए 16वां क्वेश्चन, छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु इनमें से कौन सी संज्ञानात्मक अवस्था प्राप्त कर लेता है, आत्मीकरण, मानसिक संगठन, स्कीमा और उदात्तीकरण। तो 16वें क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बताना है। देखो छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना, यहाँ पर ये स्कीमा का उदाहरण है, ज्ञान की संरचना का निर्माण इसके अंतर्गत हो जाता है। थर्ड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 17 आपसे पूछ रहा है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक है आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन और स्वतः पुनः प्राप्ति। 17वें क्वेश्चन में राइट आंसर दे दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत क्या है। तो साथियों स्किनर ने जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है वही कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत है और इसमें मुख्य कारक है आपके पुनर्बलन। सेकंड विकल्प आपके सही है 17वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो आपके 18वां क्वेश्चन है, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए बच्चे को भेज दिया, इस उदाहरण को किस सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है, पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, क्षेत्रवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो देखिए महिला ने सिर्फ भोजन प्राप्त करने के लिए ही अपने बच्चे को भेज दिया। साथियों यहाँ पर ये शारीरिक आवश्यकता के अंतर्गत आ जाता है जो कि यहाँ पर पदानुक्रमिक आवश्यकता का जो मेस्लो का सिद्धांत है उसमें आएगा। तो विकल्प नंबर आपका जो एक है प्रश्न नंबर 18 में वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 पर। RTE 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष अप्रभावित है, जेंडर के अनुसार अधिक समझातीय है, आयु के अनुसार अधिक समझातीय है और आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है। तो देखो RTE 2009 जब लागू हुआ साथियों तो इसके बाद में क्या हुआ, RTE में ये निश्चित किया गया कि इतने वर्ष का बालक इस कक्षा में पढ़ेगा। तो साथियों इस प्रकार यहाँ पर ये आयु के अनुसार अधिक समझातीय बन गया है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न 19 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। तो आपने देखा होगा क्या हुआ कि पहले बहुत बड़े बड़े जो बालक है वो भी एक एक दो दो में पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। तो चलिए 20वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 20 है, NCF 2005 की संस्तुतियों के अनुसार कक्षा 1 व कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन का तरीका होना चाहिए, लिखित परीक्षण के आधार पर, मौखिक परीक्षण के आधार पर, लिखित व मौखिक परीक्षण के आधार पर, और जो चौथा विकल्प है यहाँ पर मिस प्रिंट है, मिस टाइपिंग है साथियों, मतलब टाइप नहीं हुआ है, वो है प्रेक्षण के आधार पर। तो ये आपका चौथा विकल्प है, इसको आप देख करके आंसर दीजिए 20वें क्वेश्चन में राइट आंसर कौन सा होगा। तो साथियों देखिए ये जो चौथा विकल्प है प्रेक्षण के आधार पर यही आपका राइट आंसर है। कक्षा 1 में कक्षा 2 में प्रेक्षण मतलब बच्चों का अवलोकन करके ही उनका मूल्यांकन करना चाहिए। चौथा विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न 20 में। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो चलिए 21वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अधिगम को प्रभावित करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कारक है, इच्छा शक्ति, अवधान, शैक्षिक योग्यता और परिपक्वता। तो देखो सबसे कम महत्वपूर्ण इच्छा शक्ति तो नहीं रहेगी, अवधान भी नहीं रहेगा, शैक्षिक योग्यता हो सकता है लेकिन उससे भी कम महत्वपूर्ण है परिपक्वता। तो साथियों यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 21 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए आपके 22वें क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न नंबर 22, अधिगम क्या नहीं है, अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, अनुभवों का संगठन, विकास और प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन। तो इनमें से हम अधिगम किसको नहीं कहेंगे साथियों, अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो अधिगम होता है, अनुभवों का संगठन भी अधिगम होता है, प्रशिक्षण से जो व्यवहार में परिवर्तन आता है वो भी अधिगम होता है, लेकिन साथियों विकास को हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। थर्ड विकल्प आपका राइट है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो चलिए 23वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय
भग्नाशय के, तनाव के, संबंध के और कुंठा के। तो देखो, मानसिक विकार जब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है तो उसे भग्नाशय भी आती है, तनाव भी होता है, कुंठा भी होती है, लेकिन साथियों संबंध ये मानसिक विकार का लक्षण नहीं है। अतः 23वें क्वेश्चन में आपका थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो मिथ्या परिपक्वता का काल बाल्यावस्था को कहते हैं। किसने कहा था साथियों? ये रोस के द्वारा ये कथन कहा गया था। सेकंड विकल्प आपके 24वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। तो चलिए 25वां क्वेश्चन। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। साथियों संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है जबकि उच्चतम स्तर मूल्यांकन होता है। याद रखना इस चीज़ को, अच्छा फैक्ट है ये। एक तरह से संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, और उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन। तो विकल्प नंबर आपका एक सही है 25वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 पर। तो आपके 26वां क्वेश्चन, कौन सा अभिप्रेरणा का बाह्य स्वरूप नहीं है? प्रशंसा, पुरस्कार, आवश्यकता और निंदा। देखो मित्रों, प्रशंसा बाह्य होती है, पुरस्कार दूसरे देते हैं, निंदा दूसरे करते हैं, लेकिन आवश्यकता खुद की होती है, इसलिए आवश्यकता को हम बाह्य स्वरूप नहीं बल्कि आंतरिक स्वरूप में मानते हैं। थर्ड विकल्प 26 में सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 27वां। क्रियात्मक अनुसंधान किस मनोविज्ञान की उपज है? मानव मनोविज्ञान की, असामान्य मनोविज्ञान की, सामाजिक मनोविज्ञान की और उपयुक्त सभी। तो बताइए क्रियात्मक अनुसंधान इनमें से कौन से मनोविज्ञान की उपज मानी जाती है? साथियों क्रियात्मक अनुसंधान को सामाजिक मनोविज्ञान की उपज माना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 27वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। तो आपके 28वां क्वेश्चन, एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है, वो उत्तरदायित्व की स्वीकृति देता है, वह उचित संवेगों का प्रदर्शन करता है, वो वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन करता है और वो दूसरों के साथ मित्रवत संबंध बनाने की योग्यता रखता है। तो साथियों जो व्यक्ति समायोजित होता है उसकी विशेषता जो नहीं है वो आपसे पूछी जा रही है। तो देखो उसमें उत्तरदायित्व की स्वीकृति होती है, उचित संवेग वो प्रदर्शित करता है, दूसरों के साथ मित्रवत संबंध बनाने की योग्यता होती है, लेकिन वैयक्तिक उद्देश्यों का प्रदर्शन समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं होती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 28 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 29 की ओर। तो चलिए 29वां क्वेश्चन आपको ये इधर मिलेगा साथियों, प्रश्न संख्या 29। ये देखिए आपके 29वें क्वेश्चन को, प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक महत्व अभिभावकों के मत को देना चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम को देना चाहिए, शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए और समुदाय के विचारों को देना चाहिए। तो देखो कि भाई एक बालक प्रतिभाशाली है या नहीं है, इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा महत्व वस्तुनिष्ठ परीक्षण जो होते हैं उनके परिणामों को देना चाहिए ताकि इसमें कोई पक्ष नहीं हो साथियों। सेकंड विकल्प आपका सही है। भाई अभिभावक तो क्या कहेंगे कि हाँ मेरा बच्चा तो इंटेलिजेंट है, शिक्षक में भी कोई छात्र, शिक्षकों का भी मतलब जो अध्यापक होते हैं उनका भी कोई प्रिय होता है कि भाई लो ये इंटेलिजेंट है, तो इस प्रकार नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के जो परिणाम हैं उनको सर्वाधिक महत्व देना चाहिए। आपके सेकंड विकल्प सही है साथियों 29वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, स्वलीनता और भगोड़ापन। तो यहाँ पर जो भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है जो व्यवहार, उसको आपको चुनना है। तो साथियों बाल अपराध भी भावनात्मक बाधा है, कमजोरों को डराना भी भावनात्मक बाधा है, भगोड़ापन भी भावनात्मक बाधा है, लेकिन स्वलीनता को साथियों भावनात्मक बाधा में नहीं शामिल किया जाता है। थर्ड विकल्प आपके 30वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 31 पर। व्यक्तित्व समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है प्रतिगमन, शोधन, बाधा निराकरण और प्रक्षेपण। तो देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विधियां दो प्रकार की ये जो विधियां हैं समायोजन की, तो प्रतिगमन यहाँ पर अप्रत्यक्ष विधि है, शोधन या मार्गांतिकरण भी आपके अप्रत्यक्ष विधि है साथियों, बाधा निराकरण या प्रक्षेपण, इनमें से जो राइट आंसर है वो है बाधा निराकरण। ये समायोजन की प्रत्यक्ष विधि है, बाकी प्रक्षेपण भी अप्रत्यक्ष विधियों में आती है। थर्ड विकल्प आपके 31वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32।
संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियों में सबसे महत्वपूर्ण है। अन्वेषण द्वारा अधिगम, जांच पड़ताल, प्रशिक्षण, शिक्षण योजना बनाना और इनमें से कोई नहीं। तो जो संज्ञानात्मक अधिगम प्रणालियां होती है उनमें सबसे महत्वपूर्ण आपको बताना है। 32वें क्वेश्चन में राइट आंसर बता दीजिए। देखिए, कोई नहीं को तो हम हटा देते हैं। शिक्षण योजना बनाना, जांच पड़ताल, प्रशिक्षण, इन दोनों से बेटर विकल्प है। अन्वेषण द्वारा अधिगम मतलब खोज द्वारा अधिगम, साथियों ये संज्ञानात्मक अधिगम में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बालक खोज करके सीखता है तो खुद करके सीख रहा है उस चीज़ को। विकल्प नंबर आपका एक सही है 32वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और सभी को याद होगा संडे को जो मेगा टेस्ट लिया जा रहा है उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। राज्य स्तर पर मैंने कह दिया कि 100 रुपये में भी एक पेपर ऐसा आप खरीद नहीं पाओगे बड़ी बड़ी कोचिंगों से या कहीं से भी, याद रखना इस चीज़ को। तो संडे को सुबह 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, दिनांक 25 जुलाई 2021 को, समय सभी को याद रखना है। प्रश्न संख्या 33 है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, सीखना, अनुकरण, कल्पना और चिंतन। तो हम जब दूसरे व्यक्ति जो व्यवहार करता है उसको देखकर उसकी नकल करते हैं तो उसको साथियों अनुकरण कहा जाता है। अनुकरण करना यही होता है। सेकंड विकल्प आपके 33वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 34। निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? औसत बुद्धि के बच्चे को, अध्ययनशील बच्चे को, कुशाग्र बुद्धि बच्चे को और सभी को। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 34 में राइट आंसर देना है। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि भाई निम्न में से किस समूह के बच्चे को सर्वाधिक समायोजन की समस्या होती है। सर्वाधिक शब्द भी आना चाहिए था साथियों यहाँ पर। तो प्रश्न क्या है आपके, निम्न में से किस समूह के बच्चे को सर्वाधिक समायोजन की आवश्यकता होती है? राइट आंसर है कुशाग्र बुद्धि के बच्चे को। जो कुशाग्र मतलब प्रतिभाशाली बालक होता है उसको सर्वाधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है समायोजन के लिए। क्यों? क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होता है शिक्षण उनके अनुकूल नहीं होता है। एक औसत बुद्धि बच्चे के अनुकूल होता है शिक्षण, इसलिए वो उन चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाता है, फिर भी बार बार उन चीज़ों को वो सुनता रहता है, इसलिए वो समायोजन से ग्रस्त हो जाता है, मतलब उसके सामने समस्या आ जाती है। थर्ड विकल्प आपके 34वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35। 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? कुंटा, भग्नाशा, व्यक्तित्व और सृजनात्मकता। तो साथियों 16 PF प्रश्नावली RB केटल के द्वारा दी गई थी और इसमें व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। आपका थर्ड विकल्प 35वें क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 36 की ओर। तो ये जो 36वां क्वेश्चन है मैंने पहले भी दिया था, वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन था, लेकिन अब मैं क्लियर कर दूँ सभी को कि व्यक्तित्व के विभाजन के लिए मनोविदालिता का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बली, यूलर, क्रेपलिन, मोरेल और फ्रायड। तो साथियों वहाँ पर मैंने शायद फ्रायड बताया था, उसको मैं क्लियर करता हूँ, संशोधन करता हूँ कि जो मनोविदालिता है इसका व्यक्तित्व विभाजन के लिए सबसे पहले प्रयोग बली यूलर के द्वारा ही किया गया है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 36 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 37 की ओर। तो चलिए 37वें क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 37। संज्ञानात्मकता का संबंध किस मानसिक विकृति से है? विषाद, दुश्चिंता, व्यक्तित्व विकृति और मानसिक मंदता। प्रश्न संख्या 37 में राइट आंसर देना है। तो देखो संज्ञानात्मकता का संबंध विषाद से होता है। किससे होता है? विषाद से। विकल्प नंबर आपका एक सही है 37वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके 38वां क्वेश्चन। निम्न में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा? मनोविदलता, उत्साह विषाद मनोविकृति, भ्रमाशक्ति और मानसिक मंदन। तो देखो भावात्मक रोग के अंतर्गत क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं, कुछ क्वेश्चन लगभग 10 से 20 क्वेश्चन में वापस डाल रहा हूँ इस टेस्ट में जो पहले मैंने करा दिए हैं साथियों। तो भावात्मक रोग कहा जाएगा उत्साह विषाद मनोविकृति को। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो क्लियर होना चाहिए उन क्वेश्चनों को मैंने रिपीट किया है यहाँ पर। सेकंड विकल्प आपके 38वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। मनोव्याधि की शब्द का अर्थ है मन का रोग, देह का रोग, मांसपेशियों का रोग और इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पहले कराया था, क्या बताया था? मनोव्याधि की का मतलब मन के रोग को ही मनोव्याधि की कहा जाता है। विकल्प एक सही है 39वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40। सकारात्मक दबाव को कहते हैं स्ट्रेस, यूस्ट्रेस, डिस्ट्रेस और ब और से दोनों। तो देखो दबाव दो प्रकार का होता है, एक तो सकारात्मक
और एक होता है नकारात्मक। सकारात्मक दबाव को क्या कहते हैं? यूस्ट्रेस कहते हैं, और नकारात्मक दबाव को डिस्ट्रेस कहते हैं साथियों। सेकंड विकल्प आपका प्रश्न संख्या 40 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41, दबाव का प्रभाव व्यक्ति के किस पक्ष पर पड़ता है? संज्ञानात्मक पक्ष पर, संवेगात्मक पक्ष पर, व्यवहारात्मक पक्ष पर, या उपरोक्त सभी पक्षों पर? देखो आपको प्रश्न संख्या 41 में जो राइट आंसर है वो रहेगा चौथा विकल्प, क्योंकि दबाव का जो प्रभाव है व्यक्ति के संज्ञानात्मक पक्ष पर भी पड़ता है, संवेगात्मक पक्ष पर भी पड़ता है, व्यवहारात्मक पक्ष पर भी पड़ता है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला विकल्प आपका इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42, वृद्ध व्यक्तियों के मनोविज्ञान को कहा जाता है सामान्य मनोविज्ञान, दिक् मनोविज्ञान, जरा मनोविज्ञान और नैदानिक मनोविज्ञान। तो जो वृद्ध व्यक्तियों का मनोविज्ञान है मित्रों, उसको हम जरा मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। थर्ड विकल्प आपके इस क्वेश्चन में सही है 42वें में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 43 पर। तो चलिए 43वें क्वेश्चन को देखेंगे। जब कुछ अजनबी व्यक्ति किसी चौराहे पर किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने के लिए समूह बना ले, तो यह किस प्रकार के समूह का उदाहरण है? प्राथमिक समूह, आकस्मिक समूह, प्रयोजनात्मक समूह और एकांतात्मक समूह। तो कोई भी जब अजनबी व्यक्ति है, वो चौराहे पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत वहाँ पर समूह बनाकर उसको कहीं पर भेज रहे हैं इलाज के लिए, तो साथियों ऐसे समूह को आकस्मिक समूह कहा जाता है। सेकंड विकल्प आपके सही है 43वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, मनोवृत्ति के घटक होते हैं पहले, यहाँ पर तो आंसर भी दिख गया होगा, यहाँ पर साथियों मनोवृत्ति के कितने घटक होते हैं आपसे ये पूछ रहा है प्रश्न संख्या 44 में, राइट आंसर बता दीजिए। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है साथियों, मनोवृत्ति के घटकों की संख्या 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 44वें क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर 45, पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति होती है अभिवृत्ति, असमायोजन, सामाजिक दूरी और विभेद। तो जो पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति है इसको क्या कहा जाता है? 45वें क्वेश्चन में राइट आंसर है साथियों, पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति को विभेद गणना कहते हैं। मतलब जब हमारे मन में कोई पूर्वाग्रह हो और उसको हम व्यवहारात्मक रूप से अभिव्यक्त कर दें तो उसको ही विभेद करना कहते हैं। चौथा विकल्प आपके 45वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46, एप पल्स का संबंध किस चिकित्सा से है, चिकित्सा विधि से है? गेस्टाल चिकित्सा विधि, व्यवहारात्मक चिकित्सा विधि, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा विधि और लोगो चिकित्सा विधि। तो साथियों इस क्वेश्चन को भी मैंने पहले कराया था, क्या बताया था सभी को, एप पल्स का संबंध गेस्टाल्ट चिकित्सा से माना जाता है। प्रथम विकल्प आपके 46वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 47, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? साक्षात्कार विधि, स्थिति परक परीक्षण, रोर्शा परीक्षण और प्रेक्षण। तो साथियों व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विधियों में साक्षात्कार आ जाता है, स्थिति परक परीक्षण आ जाता है, प्रेक्षण आ जाता है, लेकिन रोर्शा शाही डब्बा परीक्षण व्यवहारात्मक में नहीं आता है। आपके थर्ड विकल्प 47वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48, रोर्शा शाही डब्बा परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? व्यवहारात्मक विश्लेषण, प्रक्षेपी तकनीक, स्वय प्रतिवेदन मापक और स्थिति परक परीक्षण। तो साथियों रोर्शा शाही डब्बा परीक्षण को व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी तकनीकों में रखा जाता है। हरमन रोर्शा इसके जनक हैं। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो 48वें क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है? रोर्शा परीक्षण, TAT, CAT और MMPI। तो साथियों स्व प्रतिवेदन मापक के अंतर्गत यहाँ पर CAT, TAT, रोर्शा परीक्षण नहीं बल्कि MMPI है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 49वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके आता है प्रश्न संख्या 50। तो चलिए 50वां क्वेश्चन, ऐसे व्यक्ति जो मजबूत पेशे शरीर वाले, ऊर्जावान एवं साहसी होते हैं कहलाते हैं? गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक और सभी। तो जो मजबूत होते हैं, मजबूत पेशे शरीर वाले होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, साहसी होते हैं, इनको हम लंबाकृतिक या गोलाकृतिक नहीं कहेंगे बल्कि आयताकृतिक कहेंगे। साथियों लंबाकृतिक तो लंबे दुबले पतले होते हैं साथियों, गोलाकृतिक छोटे मोटे होते हैं, ठीक है। दूसरा विकल्प आपका 50वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 51, तो चलिए 51वां क्वेश्चन, किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? सेलोबी एवं मेयर,
गिलफोर्ड एवं स्पीयरमैन, सीमैन एवं बिनेट और केटल एवं गार्डनर। तो देखो, सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन सेलोबी एवं मेयर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सेलोबी एवं मेयर के द्वारा। लेकिन सर्वाधिक विकास सांवेगिक बुद्धि का डेनियल गोलमैन ने किया था साथियों, इसलिए डेनियल गोलमैन को सांवेगिक बुद्धि का जनक भी कहा जाता है। तो प्रथम विकल्प आपके 51वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 52, सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत सर्वप्रथम कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इनमें से दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा 52वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट अब हम प्रश्न नंबर 53 पाते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 53, सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है 80, 90, 100 और 120। तो साथियों, 80-90 सामान्य की नहीं होती है, ना ही 120 होती है, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 100 होती है। थर्ड विकल्प आपके 53वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 54 पर। तो 54वां क्वेश्चन, व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस में भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने एवं उनमें विभेद करने की क्षमता रखता है, शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है, शब्दों की बोध क्षमता रखता है और उपयुक्त सभी। तो देखो, व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस होता है, इसमें व्यक्ति स्वयं के जो भाव है, उसके संवेग है, उनको मॉनिटर करने की क्षमता और उनमें विभेद करने की क्षमता रखता है। विकल्प नंबर आपका एक सही है साथियों, 54वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम प्रश्न संख्या 55 को। तो चलिए 55वां क्वेश्चन, सांकेतिक, आकृतिक, शाब्दिक जैसे शब्द गिलफोर्ड ने किन पदों में आते हैं? गिलफोर्ड के किन पदों में आते हैं? विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद और उपयुक्त सभी। तो साथियों, ये जो तीन प्रकार दे रखे हैं, एक और प्रकार है विषय वस्तु का। देखो, ये चीज़ें विषय वस्तु में आती है, एक तो आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और एक होते हैं व्यवहारिक। ये चार प्रकार गिलफोर्ड ने विषय वस्तु के बताए हैं। विकल्प नंबर आपका एक सही है 55वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 56 की ओर। तो आपके 56वां क्वेश्चन, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिवृत्ति की पहचान हेतु और झूठ की पहचान हेतु। तो देखो, जो पॉलीग्राफ उपकरण है साथियों, इसका प्रयोग किस लिए करते हैं हम? झूठ की पहचान के लिए, कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, इसकी पहचान के लिए ही पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। चौथा विकल्प आपका सही है 56वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 57 पे आते हैं। तो चलिए 57वां क्वेश्चन देखेंगे, 57वें क्वेश्चन को ये देखिएगा, दुश्चिंता उत्पत्ति के स्रोत है काल्पनिक, संज्ञानात्मक दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्ति के अंदर जो दुश्चिंता उत्पन्न होती है वो कई बार काल्पनिक भी होती है और कई बार संज्ञानात्मक भी होती है, अतः यहाँ पर दोनों ही दुश्चिंता उत्पत्ति के स्रोत माने जाएंगे। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है 57वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 58, भय जैसे संवेग उत्पन्न होने पर कौन से अनुभव उत्पन्न नहीं होते हैं? संकट का अनुभव, विपरीत परिस्थितियों का अनुभव, अच्छाइयों का स्रोत और इनमें से कोई नहीं। तो जब हमारे अंदर भय जैसे संवेग उत्पन्न हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमें किसी चीज़ से डर लगा, तो फिर कौन सा संवेग उत्पन्न हुआ? भय। तो वहाँ पर संकट का अनुभव हमें होगा, विपरीत परिस्थितियों का अनुभव हमें होगा, लेकिन अच्छाइयाँ लगेगी क्या? नहीं लगेगी साथियों। तीसरा विकल्प आपके 58वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 59 पे आते हैं। तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 59 क्या पूछ रहा है आपसे, मस्तिष्क में मारपाइन प्राइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसका स्तर उच्च होने पर अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है, अत्यधिक विषाद का अनुभव होता है, अत्यधिक भय की अनुभूति होती है और इनमें से सभी। तो जो मोरपाइन प्राइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर इसका स्तर उच्च हो जाए तो साथियों, इसका स्तर उच्च होने पर हमें अत्यधिक खुशी का अनुभव होगा। विकल्प नंबर आपका एक सही है। और अगर इसका जो स्तर है वो निम्न हो जाता है तो हमें अत्यधिक दुख का अनुभव होता है, विषाद का अनुभव होता है। विकल्प नंबर आपका एक सही है 59वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 60, मस्तिष्क का बायां गोलार्ध उत्तरदायी है सकारात्मक संवेगों के लिए, नकारात्मक संवेगों के लिए, दोनों के लिए और उपयुक्त सभी। तो आपके 60वें क्वेश्चन में राइट आंसर बताना है, जो बायां गोलार्ध है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है। साथियों, हमारा मस्तिष्क में बायां गोलार्ध सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है, जबकि जो दायां गोलार्ध है ये नकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका यहाँ पर प्रथम विकल्प जो है 60वें क्वेश्चन में
वही सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 61 की ओर। 61वां क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि और प्रोत्साहन। तो बताइए कौन सा मूल तत्व अभिप्रेरणा का नहीं है। 61वें क्वेश्चन में राइट आंसर का चयन करो। देखो साथियों, आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि ये अभिप्रेरणा के मूल तत्वों में आते हैं, लेकिन साथियों प्रोत्साहन को यहाँ पर मूल तत्व नहीं माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 61 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 62 की ओर। तो चलिए 62वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, अंग्रेजी भाषा का शब्द मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, मूवियर, मूव, मोटिव और मूवर्स। तो बताइए प्रश्न नंबर 62 में राइट आंसर कौन सा रहेगा। साथियों जो मोटिवेशन शब्द है मतलब अभिप्रेरणा, ये लैटिन भाषा के मूवियर शब्द से बना है या फिर टू मूव भी कहीं पर कई जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ प्रथम विकल्प सही है। RBSC के अकॉर्डिंग तो मूवियर आपका राइट माना जाएगा, प्रथम विकल्प प्रश्न नंबर 62 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 63, शक्ति अभिप्रेरक है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सभी। तो साथियों शक्ति अभिप्रेरक, उपलब्धि अभिप्रेरक ये हमारे सामाजिक अभिप्रेरकों में सम्मिलित होते हैं। प्रथम विकल्प आपके 63 में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 64 को। तो आपके 64वां क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्टीवेंसन, अब्राहम मेस्लो, BF स्किनर और क्रो एंड क्रो। तो देखो जो अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है ये अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया है, जिसमें इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकता बताई है। कई बार बता चुका हूँ 5 प्रकार की आवश्यकताओं को, आशा है आपको याद रही होगी वो। सेकंड विकल्प 64वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65, निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं रहता है, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा और प्रतीक। तो देखो चिंतन में हमेशा प्रतिमा, संप्रत्यय, प्रतीक ये तो सम्मिलित होते हैं साथियों, लेकिन भाषा हमेशा चिंतन में सम्मिलित हो ऐसा आवश्यक नहीं है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 65वें क्वेश्चन में। हालांकि भाषा भी एक जरूरी तत्व है लेकिन हमेशा सम्मिलित हो ये जरूरी नहीं माना है। प्रथम विकल्प आपके 65वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 66 पे आते हैं। तो चलिए 66वां क्वेश्चन, स्वली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार की और वास्तविक स्थिति की। तो साथियों स्वली चिंतन जो होता है इसमें क्या होता है, व्यक्ति की जो कल्पनाएं हैं उसकी अभिव्यक्ति होती है, मतलब जो सपने देखना है कि भाई ये हो जाए वो हो जाए ये सभी चीज़ें स्वली चिंतन में होती है। थर्ड विकल्प आपके 66वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 67 की ओर, निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वली चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। तो देखो चिंतन दो प्रकार का होता है, एक तो स्वली चिंतन और एक यथार्थवादी चिंतन। स्वली चिंतन मतलब जिसमें कल्पनाओं की अभिव्यक्ति होती है और यथार्थ मतलब वास्तविक चिंतन। इसके 3 प्रकार है, अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। ये तीनों ही प्रकार साथियों यथार्थवादी चिंतन के प्रकार है, वास्तविक चिंतन के। इसलिए आपका जो तीसरा विकल्प है ये यथार्थवादी चिंतन में नहीं आएगा। तो 67 में आपके थर्ड विकल्प सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 68 की ओर। तो चलिए आपके 68वां क्वेश्चन, श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है, यह उदाहरण है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, स्वली चिंतन का और आलोचनात्मक चिंतन का। तो देखिए 68वें क्वेश्चन में राइट आंसर आपको बताना है, आपके जो 68 में राइट आंसर है, अगर हम किसी भी चीज़ को गुण और दोष देख करके उस पर निर्णय लेते हैं तो उसको आलोचनात्मक चिंतन कहा जाता है साथियों। यहाँ पर गुण दोष देखा जा रहा है इसलिए ये एक आलोचनात्मक चिंतन का उदाहरण है। तो चौथा विकल्प 68वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 69, स्मृति पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया, कोहलर ने, एबिंग होस ने, पावलोव ने और BF स्किनर ने। तो प्रश्न नंबर 69 में राइट आंसर क्या है, देखो स्मृति पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन एबिंग होस के द्वारा किया गया, किसके द्वारा, एबिंग होस के द्वारा। सेकंड विकल्प आपके 69 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 70, कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया, मिलर ने, विलियम जेम्स ने, बेडेल ने और लोहे हार्ट ने। तो साथियों देखो जो कार्यकारी स्मृति व्यक्ति की होती है
इसकी व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल लोह हार्ट के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, लोह हार्ट के द्वारा। चौथा क्वेश्चन, जो चौथा विकल्प है 70वें क्वेश्चन में, वही आपका सही आंसर है साथियों। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 71 पर। आपके प्रश्न नंबर 71 ये देखिएगा, किन ग्रीक दार्शनिकों द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया? जॉन लोक व लिविनिंच, अरस्तु व प्लेटो, विलियम वुंट व टीचनर और थोंडाइक व पावलोव। तो साथियों, मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान ये प्रथम स्टेज है साइकोलॉजी की, जिसमें मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। तो साथियों 71 में जो राइट आंसर है वो सही आंसर है आपके, अरस्तु और प्लेटो के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। प्रश्न संख्या 71 में आपके सेकंड विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 72 पर। तो चलिए 72वां क्वेश्चन, मनोविज्ञान के लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है मापन व वर्णन, व्याख्या, पूर्वानुमान व नियंत्रण और परीक्षण। तो साथियों, मनोविज्ञान के लक्ष्यों में तीन चीज़ें शामिल होती है, एक तो आपके मापन वर्णन इसमें आ जाता है, मापन और वर्णन, व्याख्या इसमें आ जाती है, पूर्वानुमान और नियंत्रण भी इसमें आ जाता है, लेकिन परीक्षण को मनोविज्ञान के लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं करते हैं। तो चौथा विकल्प आपके 72 क्वेश्चन में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 73, फ्रायड ने मन के किस भाग को सबसे महत्वपूर्ण माना है? चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता होगा सिगमंड फ्रायड ने सर्वाधिक बल अचेतन मन पर ही दिया है और मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग भी इसी को माना है। 73 में सेकंड विकल्प जो है वो आपका राइट आंसर है मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 74, गेस्टाल्टवाद की स्थापना किसने की? मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोपका और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 74 में राइट आंसर बताइए कौन सा रहेगा। देखो, गेस्टाल्टवाद की स्थापना मैक्स वर्दीमर के द्वारा की गई थी, कोहलर, कोपका इनके सहयोगी थे साथियों, ठीक है। प्रथम विकल्प आपका 74 में राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75 पे आते हैं। ये तीनों है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, याद रखिएगा सभी, है ना। हालांकि ऐसे विकल्प आते नहीं है, एक विकल्प इसमें आता है इनमें से सभी, लेकिन वैसा दिया नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं, एग्जैक्टली आंसर प्रथम है 74 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 75, प्रेक्षण, अनुबंधन, परीक्षण व दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट जैसी विधियां मनोविज्ञान के किस संप्रदाय की देन है? व्यवहारवाद की, प्रकार्यवाद की, संरचनावाद की और मनोविश्लेषणवाद की। तो 75 में प्रेक्षण करना, अवलोकन करना, अनुबंधन, परीक्षण, दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट। अगर दक्ष शाब्दिक रिपोर्ट समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, परीक्षण समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अनुबंधन तो किसमें, व्यवहारवाद में किया गया था। प्रेक्षण किसमें, व्यवहारवाद में। प्रथम विकल्प सही है साथियों 75 में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 76 को। तो देखो, आपके प्रश्न नंबर 76 है मित्रों, मनोविज्ञान जो वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, जिसका अध्ययन किस विधि से किया जाता है? अंतर्दर्शन विधि से, प्रेक्षण विधि से, दोनों से और इनमें से कोई नहीं। तो अच्छी तरह से देख लीजिए क्वेश्चन को, 76 में आपको राइट आंसर देना है। कुछ प्रश्न, लगभग 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो पहले के हैं साथियों, बाकी आपको न्यू क्वेश्चन देखने को जरूर मिले होंगे। तो आपको 76 में क्वेश्चन में जो राइट आंसर है वो रहेगा आपको प्रेक्षण, क्योंकि अंतर्दर्शन में व्यवहार का विज्ञान नहीं माना जाता है, आत्मा का विज्ञान अंतर्दर्शन पर जोर देता है, और जो व्यवहार का विज्ञान है ये प्रेक्षण उसके व्यवहार के अवलोकन पर जोर देता है। तो आपके सेकंड विकल्प 76 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 77 को देखते हैं, विकास अपेक्षाकृत अभिवृद्धि होने तक सीमित नहीं होता, अपितु ऐसे प्रगतिशील परिवर्तनों में निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर व्यवस्थित रूप से उन्मुख होते हैं। उपरोक्त कथन किसका है? गेसल का, सोरेंसन का, हल्लोक का और गोर्डन का। तो साथियों, विकास के संबंध में ये जो कथन कहा गया है 77वें क्वेश्चन में, ये हल्लोक के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा? हल्लोक ने ये कथन कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए मित्रों। थर्ड विकल्प आपके 77 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 78 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 78, असत्य कथन है व्यक्ति वृद्धि व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है, विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है, वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष है और विकास एक सतत प्रगतिशील प्रक्रिया है। तो देखो, इनमें से आपके 78 में असत्य कथन देखना है। देखिए, वृद्धि व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में परिवर्तन बिल्कुल सही बात है,
विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है। देखा होगा कहीं जो छोटे छोटे जो व्यक्ति होते हैं वो भी दुनिया में नाम कमा रहे होते हैं साथियों। तो बिल्कुल सार्थक वृद्धि के अभाव में भी विकास संभव होता है, लेकिन साथियों वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष नहीं होता है, कार्यात्मक पक्ष तो विकास होता है। ये कथन गलत हो गया यहाँ पर। बाकी विकास एक सतत प्रगतिशील प्रक्रिया माना जाता है, तो थर्ड विकल्प आपके क्या है, एक असत्य कथन है 78 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 79 पर। वंशक्रम के प्रचलित नियम हैं बीज कोष की निरंतरता का नियम, समानता का नियम, विभिन्नता का नियम और उपयुक्त सभी। तो वंशक्रम के प्रचलित नियमों में क्या आता है, प्रश्न नंबर 79 में राइट आंसर बता दीजिए। देखिए वंशक्रम के प्रचलित नियमों में बीज कोष की निरंतरता का नियम भी आता है, समानता का नियम भी आता है, विभिन्नता का नियम भी आता है, अतः आपका जो चौथा विकल्प है वो ही आपका सही आंसर है 79 में। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 80 को। मानव विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम एवं वातावरण को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है और उपयुक्त सभी। तो साथियों जो वंशानुक्रम और जो वातावरण है मानव विकास की प्रक्रिया में, इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 80वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। तो चलिए 81वां क्वेश्चन, यहाँ पर प्रश्न संख्या 81। जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को कहते हैं लिबिडो, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो बताइए प्रश्न संख्या 81 में आपका कौन सा विकल्प सही है। सिगमंड फ्रायड ने जीवन मनोवृत्ति की ऊर्जा को लिबिडो कहा है। क्या कहा है साथियों, लिबिडो। प्रथम विकल्प आपके 81वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 82। कई महिलाएं मन में उपजी गंदी गालियों को मन में ही रख लेती है जो कि उदाहरण है, प्रक्षेपण का, दमन का, अंतर्वेशन का और उपयुक्त सभी। तो आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा, इसको तो देख नहीं सकते क्योंकि उसको तो मन में दबा लिया। तो साथियों कई महिलाओं के अंदर कई गालियां निकलती है और उनमें से कि भाई यार बाहर नहीं निकालती है। तो साथियों वो जो उदाहरण है आपके, ये दमन का उदाहरण है, उस चीज़ को इन्होंने क्या कर लिया, मन में दबा लिया। इसलिए साथियों यहाँ आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 82 में। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 83 की ओर। तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। आपके प्रश्न संख्या 83 आपको ये इधर मिलेगा मित्रों। तो चलिए 83 ये देखिए, प्रश्न नंबर 83 है। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में बालक को मल त्याग की क्रिया में तनाव से मुक्ति और खुशी मिलती है, मुखी अवस्था, गुदी अवस्था, लैंगिक अवस्था और सुषुप्त अवस्था। तो बालक मल त्याग जो करता है उसमें खुशी का अनुभव इनमें से किस अवस्था में करता है, जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है उसके अनुसार आपको बताना है। तो आपके 83 में साथियों राइट आंसर रहेगा, ये होती है आपके गुदी अवस्था, जो कि मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था है साथियों, दूसरी अवस्था है ये, ठीक है। आपका सेकंड विकल्प आपके 82 में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 83 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 84 को देखते हैं। 84वां क्वेश्चन है मित्रों। फ्रायड के सिद्धांत में सुषुप्त अवस्था एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की किस अवस्था के समान है, विश्वास बनाम अविश्वास, पहल बनाम अपराध बोध, उद्यमिता बनाम हीन भावना और आत्मनिर्भरता बनाम शंका व लज्जा। तो जो सिगमंड फ्रायड ने सुषुप्त अवस्था बताई है साथियों मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उस अवस्था को क्या नाम दिया है, आपको 84 क्वेश्चन में यह आंसर देना है। तो देखो 84 में जो राइट आंसर है वो रहेगा साथियों आपके उद्यमिता बनाम हीन भावना। थर्ड विकल्प आपका इसमें सही रहेगा क्योंकि सुषुप्त अवस्था का समय 6 से 12 है और इस अवस्था को एरिक्सन ने उद्यमिता बनाम हीन भावना नाम दिया है। थर्ड विकल्प 84 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 85 पे आते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 85, अनुवांशिकता का तात्पर्य किससे होता है, शुक्राणु तथा अंडाणु से, गुणसूत्र तथा जीन से, सूत्री विभाजन व अर्धसूत्रण से और डीएनए व आरएनए से। तो साथियों प्रश्न नंबर 85 में राइट आंसर बताइए, इनमें से अनुवांशिकता का तात्पर्य किससे लिया जाएगा। तो प्रश्न संख्या 85 में राइट आंसर है साथियों, अनुवांशिकता का तात्पर्य आपके गुणसूत्र और जीन से लिया जाता है। किससे, गुणसूत्र और जीन से। सेकंड विकल्प 85 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 86 पर। तो आपके 86वां क्वेश्चन, प्राथमिक संवेग में सम्मिलित है आभार, दुश्चिंता, भय और इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्राथमिक संवेग में क्या सम्मिलित है साथियों, देखो प्राथमिक संवेग में भय को सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित किया जाता है, भय को, डर जो होता है उसको। थर्ड विकल्प आपके 86 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 87 पर। तो चलिए 87वां क्वेश्चन, परानुभूति देना तब आसान हो जाता है जब, हम भी उसी स्थिति का सामना कर चुके हो,
पहली बार ऐसी स्थिति का सामना किया हो जब हम वयस्क हो चुके हो और उपयुक्त सभी। तो साथियों, अगर हम किसी को परानुभूति देते हैं तो तब आसानी से दे सकते हैं जब हम भी उस स्थिति का सामना कर चुके हो। प्रथम विकल्प आपके 87 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 88 को देखेंगे। तो चलिए 88वें क्वेश्चन पे आते हैं, आपके प्रश्न संख्या 88। मेस्लो के अनुसार वह कौन सी आवश्यकता है जहां व्यक्ति आत्म जागरूक, समाज के प्रति अनुक्रियाशील, सृजनात्मक, स्वस्फूर्त तथा नवीनता एवं चुनौती से मुक्त होता है। सम्मान की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो जो मेस्लो ने अपने सिद्धांत में बताया है, उपरोक्त जो विशेषताएँ हैं ये आत्मसिद्धि की आवश्यकता के अंतर्गत आ जाती है। ये सभी चीज़ें, जैसे व्यक्ति आत्म जागरूक है, समाज के प्रति अनुक्रियाशील है, सृजनात्मक है, स्वस्फूर्त है, नवीनता इत्यादि, ये चीज़ें आत्मसिद्धि में आएगी साथियों। तो चौथा विकल्प आपका सही है 88 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 89 को देखेंगे। तो आपके 89वां क्वेश्चन, नींद के कितने प्रकार है? 1, 2, 3, 4। साथियों, नींद के यहाँ पर दो प्रकार होते हैं, एक तो होती है आपके तीव्र गतिक नींद और एक होती है आपके मंद गतिक नींद। तो साथियों, यहाँ आपका सेकंड विकल्प सही है 89 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 90 पे देख आते हैं, आपके 90वां क्वेश्चन, किस बीमारी की वजह से व्यक्ति को मोटा होने का असंगत डर बना रहता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, बुभुक्षा और उपयुक्त सभी। तो देखो, मोटा होने का असंगत डर अगर व्यक्ति को बना हुआ है तो फिर वो एनोरेक्सिया नर्वोसा से ग्रसित है साथियों। प्रथम विकल्प आपका सही है 90वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 91 को देखेंगे। तो आपके 91वां क्वेश्चन, जैविक अभिप्रेरक वो होते हैं जो पर्यावरण से अर्जित किए जाते हैं, सामाजिक मांग से उत्तेजित अवस्था है, शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में उत्पन्न उत्तेजित अवस्था है और उपयुक्त सभी। तो बताइए, इनमें से जैविक अभिप्रेरक किसके अंतर्गत शामिल होंगे? साथियों, जैविक अभिप्रेरक कभी भी पर्यावरण से अर्जित नहीं किए जाते हैं, ना ही सामाजिक मांग से उत्तेजित अवस्था है, बल्कि ये शुद्ध आंतरिक संतुलन के प्रति की गई प्रतिक्रिया से प्राणी में उत्पन्न उत्तेजित अवस्था होती है। थर्ड विकल्प आपके 91 में सही है। अच्छे से याद कर लेना सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 92, डबल डिप्लेशन सिद्धांत का संबंध किससे है? भूख से, प्यास से, नींद से और काम से। तो प्रश्न संख्या 92 में राइट आंसर बताइए, डबल डिप्लेशन सिद्धांत का संबंध प्यास से होता है। किससे होता है? प्यास से होता है साथियों। सेकंड विकल्प आपका 92 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 93 को देखेंगे, जैव सामाजिक अभिप्रेरक का उदाहरण है भूख, प्यास, काम और नींद। तो इनमें से कौन से अभिप्रेरक को जैव सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत शामिल किया जाता है? देखो, भूख, प्यास, नींद तीनों ही जैविक अभिप्रेरक है, लेकिन जो काम है साथियों ये जैव सामाजिक अभिप्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित होता है। 93 में आपके थर्ड विकल्प सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 94 की तरफ। तो चलिए, 94 क्वेश्चन आपको इधर मिल जाएगा। ये देखिए प्रश्न नंबर 94 को, आत्म अनुकरण की आयु है जन्म से 2 माह बाद, जन्म से 5 माह बाद, जन्म से 18 माह बाद और जन्म से 24 माह बाद। तो इनमें से कौन सी अवस्था को आत्म अनुकरण की आयु कहा जाता है? देखो, जन्म से लेकर के 5 माह बाद की जो अवस्था होती है, जन्म से 5 माह बाद की अवस्था जो होती है उसको आत्म अनुकरण की आयु के नाम से जाना जाता है। सेकंड विकल्प आपके 94 में सही है साथियों। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 95 को, वह तर्कना जिसमें उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, उस तर्कना को क्या कहते हैं? आगमनात्मक तर्कना, निगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना और सादृश्यवादी तर्कना। 95 में आपको सही आंसर का चुनाव करना है मित्रों। प्रश्न संख्या 95 में जो राइट आंसर आपका आता है वो रहेगा विकल्प नंबर 4। इसको हम सादृश्यवादी तर्कना कहते हैं। यूं मानो आप एनसीईआरटी और आरबीएससी को घोल के भी गए, जितने भी आपने ये टेस्ट किए, छोटे छोटे टेस्ट, ये जो बड़े बड़े टेस्ट किए, इनमें प्रश्नों को रिपीट मैंने किया है, इनको देख देख के अब आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये तो मुझे याद है, ये तो मुझे याद है। ऐसा क्यों लग रहा है? सोच करके देखिए, ऐसा क्यों लग रहा है? क्या पहले कभी ऐसा लगा था? आरबीएससी एनसीईआरटी की कितनी बार किताबें पढ़ लो लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने मेरे सारे वीडियो आरबीएससी एनसीईआरटी के देखे होंगे तो गारंटी देता हूँ आपको लगता होगा कि यार मुझे ये याद है, याद है, मैंने पढ़ रखा है, मैंने पढ़ रखा है, मैंने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है। साथियों, ये सिर्फ और सिर्फ आप सबकी वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि आप सब ने इतनी बार इतने अच्छे से वीडियो को देखा है
और कुछ हमारा मार्गदर्शन भी रहा, तो दोनों की मेहनत, मार्गदर्शन, सब चीज़ें ये सही होती जा रही है। बस यूँ है कि भाई सिलेक्शन हो जाए तो उसके बाद यहाँ चैनल पे आके कहना कि हाँ सर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने आपके यहाँ से भी बहुत अच्छे से तैयारी की थी। तो चलिए 95 में जो राइट आंसर है प्रश्न 95 में, सॉरी हाँ, राइट आंसर क्या है आपके, सादृश्यवादी तर्कना। सादृश्यवादी तर्कना में उपमा के आधार पर तर्क वितर्क करते हुए चिंतक किसी निष्कर्ष पर पहुँचता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 96 को देखते हैं, तो आपके 96 वा क्वेश्चन, बच्चों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर उनको टोपी देना किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है? प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत और प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। तो देखो बच्चे प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं फिर उनको आप टोपी दे रहे हो, तो साथियों ये जो सिद्धांत है ये एक तरह से आपके सेकंड विकल्प सही है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, क्योंकि इसमें क्रिया के बाद में पुनर्बलन के लिए क्रिया को दोहराने के लिए पुनर्बलन प्रस्तुत किया जाता है। सेकंड विकल्प 96 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 97, कौन से अधिगम में एक नया व्यवहार सीख लिया जाता है किंतु उसे व्यक्त नहीं किया जाता है जब तक कि उसे पुनर्बलित न किया जाए? प्रेक्षणात्मक अधिगम, साचर्यात्मक अधिगम, अव्यक्त अधिगम और वाचिक अधिगम। तो देखो कल कक्षा 10वीं की राजस्थान अध्ययन की संपूर्ण बुक भी लेकर आ रहा हूँ और संडे को महामेगा टेस्ट, भाई वो लाइफ का मेरा यूँ मानो सबसे मेहनत वाला टेस्ट है, सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें की है मैंने, तो भाई उस टेस्ट को संडे को तो मिस ही मत कर देना गलती से भी, वरना रीट एग्जाम के बाद में देख लिया तो रोना आ जाएगा फिर उसको कि यार ये टेस्ट हमने पहले क्यों नहीं देखा था। देखो 97 में राइट आंसर है, जब हम कोई व्यवहार को सीख ले लेकिन उसे व्यक्त नहीं करे तो उसको जब तक हमें पुनर्बलन नहीं मिले तब तक व्यक्त नहीं करे तो उसको अव्यक्त अधिगम कहा जाता है साथियों। थर्ड विकल्प 97 में सही है। नेक्स्ट आपके प्रश्न संख्या 98 पे आते हैं, तो आपके 98वां क्वेश्चन, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में सम्मिलित है वातावरण, आयु तथा परिपक्वता, पूर्व अधिगम और इनमें से सभी। तो साथियों अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में क्या सम्मिलित है 98 में? देखो वातावरण और पूर्व अधिगम सम्मिलित होता है और आयु व परिपक्वता भी कुछ ना कुछ हद तक प्रभावित करती है, इसलिए हम यहाँ पर इनमें से सभी को सही मानेंगे। तो चलिए 99वां क्वेश्चन, एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 4, 5, 7 और 8। तो कितनी अवस्थाएं बताई है एरिक्सन ने साथियों? इन्होंने 8 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 99 में। अब देखिए 100वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 100 नहीं ज़्यादा क्वेश्चन है आज, याद रखना है ना। 100वां क्वेश्चन साथियों, किस अवस्था में बालक अपनी माता से और बालिका अपने पिता से अधिक प्रेम करती है? मुख्य अवस्था, गुदी अवस्था, उत्तर लैंगिक अवस्था और जननांगीय अवस्था। तो साथियों बालक अपनी माता से और पिता बालिका अपने पिता से अधिक प्रेम उत्तर लैंगिक अवस्था में करती है। थर्ड विकल्प आपके 100वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 101 को देखेंगे, तो चलिए 101वां क्वेश्चन, ये सारे ही प्रश्नों की जो अगर आप PDF लेना चाहते हो तो मैं 333 की ही PDF में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप पूरे प्रश्नों को वापस देख सकते हो, बाद में भी इनको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? स्टडी विद PL लोधा के नाम से ये साथियों। तो बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं सूचित करती हैं कि बच्चों की क्षमता वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। तो 101वें क्वेश्चन में देखो जो बच्चों की जो गलतियां करते हैं सीखने में और कुछ भ्रांत धारणाएं उनके मन में होती है साथियों, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ही एक भाग माना जाता है। सेकंड विकल्प 101वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102 को देखेंगे, अधिगम के बारे में कौन सा कथन असत्य है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अधिगम निष्पादन से भिन्न होता है, अधिगम से तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन आता है और अधिगम वृद्धि व परिपक्वता के कारण होता है। तो साथियों व्यवहार में परिवर्तन, निष्पादन से भिन्न है, तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन आना, ये तीनों कथन एकदम सत्य है, लेकिन वृद्धि और परिपक्वता के कारण अधिगम होता है ऐसा नहीं है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 102 में, क्योंकि ये एक असत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 103, बालक द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर अध्यापक द्वारा प्रशंसा करना जिससे बालक के उत्तर देने का व्यवहार बढ़ता है, यह कौन सा अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? प्रेक्षणात्मक अधिगम, प्राचीन अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन और अंतर्दृष्टि अधिगम। तो प्रश्न संख्या 103 में राइट आंसर आपको देना है। प्रश्न संख्या 103 में आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों?
देखिए प्रश्न संख्या 103 में आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, क्योंकि इसमें भी पुनर्बलन देने का कार्य ही किया जा रहा है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 104 पर। तो आपके 104 क्वेश्चन क्या है, आपके प्रश्न नंबर 104, ये देखिए 104वें क्वेश्चन को। अधिगम अशक्तता उनमें भी पाई जा सकती है जो सामान्य से श्रेष्ठ बुद्धि वाले होते हैं, सामान्य से कम बुद्धि वाले होते हैं, शारीरिक रूप से अधिगम अशक्तता के लक्षण रखते हैं और पठन वैकल्य से ग्रस्त होते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 104 में राइट आंसर बताना है। तो आपके 104 क्वेश्चन में राइट आंसर है साथियों, सामान्य से श्रेष्ठ वाले बुद्धि लब्धि वाले बालक में भी अधिगम अशक्तता पाई जा सकती है। कम बुद्धि वाले में तो अधिकतर में होती है, जो अधिगम अशक्तता के लक्षण रखते हैं उनमें तो रहेगी ही। पठन वैकल्य भी अधिगम अशक्तता का उदाहरण है। लेकिन साथियों यहाँ प्रथम विकल्प बिल्कुल आपका सही आंसर है प्रश्न 104 में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 105 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 105 आपसे क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। ये देखिए 105 सॉरी इधर ऊपर आएगा, चलिए 105 की तरफ बढ़ जाते हैं। देखिए 105वें क्वेश्चन को। अधिगम की प्रक्रिया में विलोपन तब बढ़ता है जब, विलोपन कब बढ़ता है, जब अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा बढ़ती है, जब अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा स्थिर रहती है, या अर्जन प्रयासों के दौरान पुनर्बलन की मात्रा घटती है, या इनमें से सभी। तो साथियों विलोपन का सभी को पता होगा कि अनुबंधन में विलोपन एक स्थिति होती है जब अनुबंधन समाप्त हो जाता है। तो ये समाप्त होता है कब, जब अर्जन प्रयास तो किया जा रहा है लेकिन पुनर्बलन की मात्रा आप घटाते जा रहे हो, तो फिर वहाँ पर विलोपन भी घटेगा साथियों, ठीक, मतलब विलोपन बढ़ेगा। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 105वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 106 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 106, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन का आपको चुनाव करना है। दुश्चिंता की गणना नकारात्मक संवेगों के रूप में की जाती है। चिंता जब काफी व्यापक रूप धारण कर ले तो इसे मुक्त प्रभावी दुश्चिंता का नाम दिया जाता है। यदि चिंता वास्तविक कारणों से उत्पन्न होती है तो इसे मनोस्नायुकृत दुश्चिंता कहते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो आपको असत्य कथन का चुनाव करना है। देखो प्रथम और दूसरा कथन तो सत्य है लेकिन तीसरा कथन क्या है, असत्य, क्योंकि जब कोई चिंता वास्तविक कारणों से उत्पन्न हो तो उसे मनोस्नायुकृत दुश्चिंता नहीं बल्कि उसको वस्तुनिष्ठ दुश्चिंता कहते हैं साथियों, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। तो आपके यहाँ थर्ड विकल्प राइट रहेगा क्योंकि ये एक असत्य कथन है प्रश्न संख्या 106 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 107 की ओर। आस्था श्रद्धा प्रेम सहृदयता संवेदनशीलता के गुण शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। रचनात्मक कार्यों में भौतिकता लाना, सद्वृत्तियों का विकास करना, भाषा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना और साहित्य का रसास्वादन करना। तो देखो आस्था श्रद्धा प्रेम सहृदयता संवेदनशीलता साथियों ये जो गुण हैं ये 107वें क्वेश्चन में सद्वृत्तियों के विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। सद्वृत्तियों का विकास है सभी ही, सेकंड विकल्प आपके 107वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 108 को देखेंगे। तो चलिए 108वां क्वेश्चन। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है। दायां भाग बायां भाग दोनों भाग और इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर जो प्रश्न था साथियों सकारात्मक संवेगों के लिए बायां भाग उत्तरदायी होता है और नकारात्मक संवेगों के लिए दायां भाग उत्तरदायी होता है, ठीक है, ऊपर भी मैंने इस क्वेश्चन को करा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। खाली स्लेटों के रूप में, छोटे अन्वेषकों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में और सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो देखो जो प्रगतिशील शिक्षा है इसमें बच्चों को साथियों कैसे देखा जाता है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है, मतलब वो खुद के ज्ञान का निर्माण सक्रिय रहकर करते हैं खोज के द्वारा। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 109 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 110। तो चलिए 110वां क्वेश्चन ये आपके इधर मिल जाएगा। अब लास्ट चल रहा है वीडियो का, लगभग 10-15 प्रश्न और बच रहे हैं आपके। इनमें से कौन सी विशेषता संवेगों की नहीं है। तो साथियों संवेग एक जटिल अवस्था है। संवेग में कुछ अभिव्यंजक व्यवहार भी होते हैं। संवेग में किसी न किसी तरह का आत्मनिष्ठ भाव अवश्य होता है और संवेगों के परिणाम स्वरूप दैहिक प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो देखो संवेग से संबंधित आपको ये देखना है कि कौन सी विशेषता संवेगों की नहीं है। साथियों इसको जटिल अवस्था भी कहते हैं, अभिव्यंजक व्यवहार होते हैं, आत्मनिष्ठ भाव होता है लेकिन दैहिक प्रतिक्रिया नहीं होती है, ये गलत है क्योंकि दैहिक प्रतिक्रिया भी होती है। जैसे डर लगा तो हमारे जो चेहरा है उसका भाव ही बदल जाता है साथियों, तो ये दैहिक प्रतिक्रिया हुई, इसलिए चौथा विकल्प आपके 110वें क्वेश्चन में सही है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? द्वितीय वर्तुल प्रतिक्रियाएं, सजीवात्मक चिंतन, तुलना, समानता, असमानता बताने की योग्यता और परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना। तो देखो, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाओं में प्रमुख कौशलों में से जो एक कौशल है वो आपको बताना है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था लगभग 7 से 11 वर्ष तक चलती है, ये भी आपको देख लेना है साथियों। तो देखिए, इसमें बालक तुलना करने लग जाता है, समानता निकालना, असमानता बताने की योग्यता उसमें होती है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्कना अमूर्त में होती है और सजीवात्मक चिंतन मूर्त में नहीं होता है साथियों। ठीक है, ओनली थर्ड विकल्प आपके 111वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 112, निम्न में से किसका संबंध जैविक अभिप्रेरणा से नहीं है? काम, नींद, प्यास और उपलब्धि। तो जैविक अभिप्रेरणा में भूख, प्यास, काम, नींद ये चीज़ें आ जाती है, लेकिन उपलब्धि यहाँ पर जैविक नहीं है बल्कि एक सामाजिक अभिप्रेरक है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है 112वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 112 के बाद में 14 आ गया क्या? चलो कोई ना, एक क्वेश्चन छूट गया है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञान, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध। मूल्यांकन, विश्लेषण, संश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। और ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो सबसे पहले ज्ञान आता है और सबसे अंत में मूल्यांकन। तो सभी में सबसे पहले ज्ञान नहीं दे रखा है तो ये बाहर, सबसे बाद में क्या आता है मूल्यांकन नहीं दे रखा है तो ये बाहर। तो यहाँ पर आपके दूसरा तीसरा तो गलत हो गया, पहला या चौथा राइट आंसर बता दीजिए प्रश्न संख्या 114 में। देखिए, सबसे पहले ज्ञान आता है, फिर अवबोध, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण, फिर मूल्यांकन। अनुप्रयोग पहले नहीं आता है, अवबोध पहले आता है। ठीक है, चौथा विकल्प आपका 114वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 115 को, किसके सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत कहा जाता है? मेस्लो, स्किनर, वाइगोत्स्की और बंडूरा। साथियों, स्किनर का क्रिया प्रसूत है, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक है, बंडूरा का साथियों अवलोकन आधारित है और आत्मसिद्धि का सिद्धांत अब्राहम मेस्लो के द्वारा दिया गया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 115वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे आपके प्रश्न संख्या 116 पर। तो चलिए 116वां क्वेश्चन, वाइगोत्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है, व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना, ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका और भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। तो देखो, जो वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक विकास और जीन पियाजे, पियाजे संज्ञानात्मक विकास, तो साथियों इनमें एक मुख्य भिन्नता क्या है ये आपको बताना है। 116वें क्वेश्चन में राइट आंसर है चौथा विकल्प, ये दोनों ही भाषा और चिंतन के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। चौथा विकल्प आपके 116वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 117, तो चलिए 117वां क्वेश्चन, कुछ विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक या श्रेणी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं या दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं क्योंकि अच्छे अंक या श्रेणी उनके लिए उच्च शिक्षा या अच्छी नौकरी का मार्ग प्रशस्त करते हैं। बालक में अधिकता है शक्ति अभिप्रेरक की, उपलब्धि अभिप्रेरक की, सामाजिक अभिप्रेरक की और एन अचीवमेंट की, नीड अचीवमेंट जिसको कहा जाता है। तो साथियों प्रश्न संख्या 117 में राइट आंसर देना है। देखो, कोई विद्यार्थी है परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा भी कर रहा है क्योंकि उसे अच्छे अंक या श्रेणी से पास होना है, या फिर उसे अच्छे अंक या श्रेणी उसे उच्च शिक्षा के लिए नौकरी का मार्ग बना देंगे। तो साथियों, ये नीड अचीवमेंट और उपलब्धि अभिप्रेरक दोनों एक ही चीज़ है, इसकी विशेषता है, इसकी अधिकता है बालक में। दूसरा और चौथा विकल्प आपके 117वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 118, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? डिसग्राफिया का, डिसकेलकुलिया का, डिसपेक्सिया का और डिसलेक्सिया का। देखो, भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई आना, साथियों पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया का उदाहरण होता है। चौथा विकल्प, पठन संबंधी विकार है डिसलेक्सिया। विकल्प नंबर आपका 4 सही है डिसग्राफिया लेखन और डिसकेलकुलिया गणित संबंधी या गणना संबंधी विकार होता है। तो 118वें में चौथा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 119 पे आते हैं। तो आपके 119वां क्वेश्चन, बच्चों में कुल नींद का रेम नींद कितने प्रतिशत होती है? 30%, 20%, 50% और 80%। तो देखो, रेम नींद का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए, स्वप्न वाली नींद जिसमें बच्चा अलग दुनिया में घूमता रहता है। तो साथियों, बहुत तीव्र गति की जो नींद होती है बच्चों में ये 50% होती है जबकि वयस्कों में ये 20% तक पाई जाती है। थर्ड विकल्प आपके 119वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 120, इनमें से किस परीक्षण में 10 मसी लक्ष्य होते हैं? ईपीक्यू, 16 पीए, प्रोर्शा परीक्षण, एमएमपीआई। तो साथियों,
10 मसी लक्ष इनमें से रोशिया शहीद अब्बा परीक्षण में होते हैं। 10 मसी लक्ष का मतलब होता है 10 कार्ड। विकल्प नंबर आपका थर्ड सही है प्रश्न संख्या 120 में। क्लियर है ये प्रश्न भी सभी के? तो आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 121 पर। डबल डिप्लेशन सिद्धांत का संबंध है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन साथियों, यहाँ पर प्यास से ये संबंधित है, बता दिया था मैंने पहले भी। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 122, सामाजिक दूरी मापनी किसने बनाई है? बताना है आपको सामाजिक दूरी मापनी किसके द्वारा बनाई गई है? थ्रस्टन, फेस्टिगर, क्लिकर्ड और बोगार्ट्स के द्वारा। तो साथियों सामाजिक दूरी मापनी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बोगार्ट्स के द्वारा किया गया है। चौथा विकल्प आपके 122वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123, तो चलिए 123वां क्वेश्चन। भूख के स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत की विशेषता नहीं है। भूख की उत्पत्ति आमाशय की मांसपेशियों के संकुचन से होती है। इसके अंतर्गत व्यक्ति को तीव्र गति से भूख का अनुभव होता है। तेज भूख लगने को भूख दर्द भी कहा जाता है और इसमें व्यक्ति को मोटा होने का डर बना रहता है। तो साथियों मोटा होने का डर तो व्यक्ति को एनोरेक्सिया नर्वोसा में बना रहता है। किसमें? एनोरेक्सिया नर्वोसा में। साथियों ये जो भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत है इसकी ये विशेषता नहीं है। इसमें क्या होता है, जो तेज भूख लगती है उसको भूख दर्द कहते हैं, व्यक्ति तीव्र गति से भूख का अनुभव भी करता है और जो आमाशय है इसकी मांसपेशियों में संकुचन से भूख की उत्पत्ति होती है। तो साथियों कई बार देखा होगा ना हमें बहुत तेज भूख लगती है, तो ये भूख का स्थानीय उद्दीपक सिद्धांत उसी संबंध में दिया गया है। चौथा विकल्प 123वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 124 को देखेंगे, तो आपको 124वां क्वेश्चन। अभिप्रेरणात्मक चक्र का तीसरा कदम कौन सा है? आवश्यकता, परिणोद, लक्ष्य या चौथा प्रोत्साहन। तो देखो अभिप्रेरणात्मक चक्र का पहला कदम आवश्यकता है, दूसरा परिणोद है, तीसरा लक्ष्य या प्रोत्साहन, दोनों नामों से जाना जाता है। अतः तीसरा और चौथा दोनों ही विकल्प आपके 124वें क्वेश्चन में सही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न नंबर 125 पर। 125वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की विशेषता नहीं है? अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक बाह्य अवस्था है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति कुछ क्रियाएं उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रिया एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर होती है और अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने पर वह उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। तो साथियों अभिप्रेरणा मूलतः एक आंतरिक अवस्था को कहा जाता है, इसलिए ये मुख्य रूप से विशेषता नहीं मानी जाएगी। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न 125 में। बाकी इसमें कुछ क्रियाएं भी होती है, व्यक्ति निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति की ओर बढ़ता है और तब तक अभिप्रेरित व्यवहार करता है जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है। ठीक है, तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही है प्रश्न नंबर 125 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 126 जो कि साथियों अंतिम क्वेश्चन है और यहाँ पर लगभग यूँ मानो 11वीं 12वीं आपने पूरी कर ली, पढ़ने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है और टेलीग्राम पर से PDF ले लेना, भूल मत जाना। ठीक है, चिंतन के मौलिक विकास के लिए इनमें से भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा और प्रतीक क्या आवश्यक नहीं है? तो मैंने पहले भी यहाँ पर देखो प्रश्न संख्या 330 जो मतलब 126 है ये रिपीट हुआ है। चिंतन के मौलिक विकास के लिए भाषा को आवश्यक नहीं माना गया है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। प्रथम विकल्प आपका 126वें क्वेश्चन में सही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यार इस मेगा क्लास के लिए पूरा अटेंड करने के लिए। आशा है आपको रिपीट तो हुए प्रश्न लेकिन मजा उन्हीं चीज़ों में है जो स्थायी होती है। ठीक है, यूँ मानो आप स्थायी कर रहे हो ज्ञान को। तो मिलते हैं अब कल अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और मेगा टेस्ट का तो कहना ही क्या, वेट कीजिए उस चीज़ उस दिन का और दीजिए उस टेस्ट को, फिर मेरे पास आके कमेंट करके बताइए कि कैसा लगेगा। वास्तव में आप ना प्रशंसा करके जाओगे इसकी मैं गारंटी देता हूँ अभी से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।